एमएस वर्ड जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके सामने एक नया वर्कबुक आ रहा है, क्योंकि तो आपने फाइल में जाके एक न्यू वर्कबुक लिया है, आपने न्यू न्यू वर्कबुक। यूज टेम्पलेट नहीं लिया है। ठीक है, टेम्पलेट भी आप ठीक है, ले सकते हैं, अगर आपको कुछ चीज बनाना है, कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है तो टेम्पलेट भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने टेम्पलेट नहीं लिया, न्यू ब्लैंक बुक लिया है। तो सबसे पहले सेट की जाती है पेज की मार्जिन। जैसे मार्जिन। हम लोग बोलते हैं, हम लोग जब एग्जाम देने जाते थे, हमें जो पेपर्स मिलते थे तो उसको लिखने से पहले हम लोग क्या करते थे, फोल्ड मार्जिन करके, लाइन फोल्ड खींचते फोल्ड करके थोड़ा सा लाइन खींचते थे ना, दोनों तरफ से, थे। यस सीरियल नंबर वगैरह और टीचर रिमार्क्स वगैरह डालने के। सेम उसी तरह से आपने पेज का, क्योंकि आपकी पेज का जो रिमार्क्स है इस आपके सामने दिख रहा है, ठीक है सर। पेज की रिमार्क दिख रहा है। रिमार्क पेज पेज की रिमार्क से पहले आपको जो है डिजाइन में जाके, हाँ पेज बॉर्डर वगैरह है, पेज के अलग है चीजें, ये चीज होती है लेआउट। लेआउट में, हाँ लेआउट में आप आएंगे, डिजाइन में तो अलग होता है, डिजाइन टाइप करने के बाद दी जाती है, लेआउट हाँ में आना हाँ है। और लेआउट में। यहाँ से अपने पेज की मार्जिन, अपने पेज का ओरिएंटेशन और पेपर की साइज, तीन चीजें चेक करनी है। बोले सर ये तो बाद में भी हो सकता है, तो पेज सेटिंग हो गया, नहीं बाद में हो सकती इस है, इसमें से क्योंकि सर मैंने जो खाली है ना आपने मार्जिन मार्जिन चेक चेक, किया था, जो हाँ किया था मतलब। बाद में चीजें हो सकती है, बात को मैं समझ रहा हूँ। मैं बहुत से बच्चे बोलते हैं सर एकदम टाइप कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं बाहर, बाद में करेंगे, बाद में होती है। तो हाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने अभी बना लिया, बाद में फिर आपका जो एक को हिलाओगे तो पूरा हिलेगा, आपने एक पेज के अकॉर्डिंग आपने उसको फिट कर लिया है, पता चला कि आपने पेज की साइज और मार्जिन गलत सेलेक्ट कर लिया, आपने सही किया, मार्जिन कम ज्यादा हुआ, फिर आपका जो डेटा नेक्स्ट पेज पे, दो पेज पे या फिर एक पेज पे अधूरा रह गया, रिज्यूम वगैरह बना रहे हैं सही से नहीं बना, हिल गया। इसलिए इस चीज करने से पहले ये आप करा, जैसे आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले जमीन को ठीक करते हैं ना सर, जी, ऐसा थोड़ी कि आपने घर बना दिया उसके बाद जमीन ऊपर नीचे है तो उसके उसको बाद थोड़ा सा जमीन। लेवलिंग करेंगे, बिल्कुल पहले लेवलिंग जरूरी होता है ना। यस। तो पहले आप मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है कि आपका प्रिंटर या आपका एक वर्ड कहाँ से काम शुरू करेगा, समझ गया। तो यस अभी देखें कर्सर, कि यहाँ पे तकरीबन जो मार्जिन है, यह देखिए आप, तो मार्जिन ये है कि टॉप में 2.5 सेंटीमीटर छोड़ रहा है, लेफ्ट से भी सेम सेंटीमीटर छोड़ रहा है, बॉटम से उतना छोड़ सेम। रहा है और राइट से भी छोड़ रहा है, ठीक है। हाँ इसमें एक सबसे कम वाला साइज के लिए नैरो है, नैरो में आओगे तो 1.5 सेंटीमीटर का किया जाता है। डेढ़ डेढ़ सेंटीमीटर। इसके अलावा आप ये जो रूलर दिख रहे हो, इस रूलर पे जाके भी आप इस तरह से भी इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की मार्जिन तो नहीं, थोड़ी सी टॉप की मार्जिन जरूर छोड़िए, क्योंकि प्रिंटर को पेपर पकड़ने के लिए भी तो चाहिए ना जगह सर, हाँ क्या सर। हाँ यार लेजर राइट। प्रिंटर है तो उसमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंक जेट प्रिंटर तो इसको घिस के घिसता है रबर के थ्रू, इसको थोड़ा अच्छा सा मार्जिन छोड़ दीजिएगा। पेपर की साइज जनरली हमारा लेटर या A4 होता है, उसी को सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं लेटर और A4 के अंदर में खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। बस यही है कि ये हाँ आपका 21x27 है, ये आपका 21x28 है, तो इसी लंबाई जो है अट्ठाईस। बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब ये सेट हो जाए उसके बाद टाइप करना शुरू करें, राइट। और टाइप करने से पहले चेक ओके कर लीजिए ये चीजें कि बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और फॉन्ट कैसा है, फॉन्ट की साइज कैसा है, वरना आपको ठीक करना पड़ जाए। जैसे कुछ लिखना है मुझे, मान लीजिए मुझे टाइटल लिखना है, तो सब लोग क्या करते हैं कि पहले वो साइज वगैरह चेंज करते हैं, टाइटल लिखना है तो मुझे बड़ा लिखना है, वो क्या करते हैं वो सेट कर देते हैं 20 पे और फिर लिखते सेट हैं द IPT एक्सल स्कोर। अब इसमें गलती क्या हुई सर, कि फिर आपको यहां से इसमें साइज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम डिफॉल्ट करना साइज जो पड़ेगा। है वो आपका 20 हो गया, लेकिन आपका टाइटल बड़ा है लेकिन लेटर तो कम लिखना है ना, इसलिए आपकी जो लेटर की जो एवरेज साइज लेटर की है उसको फिक्स रखें और टाइप करें द IPT
एक्सेल। एक्सेल स्कूल। अब इसको सिलेक्ट करके मुझे स्पेशली इसकी साइज करनी है ना, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से मिडल हाँ कर, यहाँ से अलाइनमेंट को मिडल करेंगे, यहाँ से साइज को यहाँ बढ़ाएंगे, से साइज को बढ़ाएंगे तो इसको ये बोल्ड डिफॉल्ट नहीं करेंगे, होगी। इसको अंडरलाइन करेंगे, तो इससे क्या होगा, डिफॉल्ट नहीं है। ये अब मैं बोल्ड, यहाँ पे डबल हाँ क्लिक करूंगा तो देखिए साइज हमारा वो चीज नहीं है। सेम हो गया। हाँ देख रहे, ये बोल्ड अंडरलाइन वगैरह नहीं है ना, ये देखिए हाँ लेफ्ट है। नहीं, लेफ्ट में आ गया वापस। इसका ध्यान आप लोग रखें, ठीक है, अच्छा ये चीज जरूर कीजिए। अब एक, अब मान लीजिए कि आप सीखने जा रहे हैं और आपको टाइप करने का मूड नहीं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स को अप्लाई करना है, तो क्या करना है पता है आपको, एक फॉर्मूला होता है RAND, रैंड, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस करिए, तो क्या हुआ, इसने एक रैंडम पैराग्राफ आपको दे दिया, रैंडम पैराग्राफ। ठीक है सर। यस 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 अब इस पे आप जो करना है कर लीजिए, समझे कि नहीं। अच्छा हाँ हाँ समझ गया। समझ गया मतलब मेरा इसमें जो सही। भी एडिटिंग करना है। हुआ क्या था इसमें, इससे एक स्टोरी याद है, एक स्टूडेंट को मैं सिखा रहा था सेम चीज, ठीक है ना। अब अच्छा होता है क्या है कि अभी जो है हम लोगों को टाइपिंग का काम देते हैं, कि हम बोलते हैं कि आप मुझे करीब कुछ पेज टाइप करके, एक दो पेज टाइप करके मुझे दीजिए, क्योंकि आपको टाइप ही तो करना है, कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है, हाँ वर्ड हाँ में मोस्टली टाइपिंग का काम होता है, मुझे आप एक दो पेज टाइप करके दे दीजिए। दे दे दिए दिए, और क्या। उसने क्या किया पता है, ये रैंड फॉर्मूला लगा के भेज दिया। अच्छा हाँ मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, क्योंकि रैंड फॉर्मूला में जितना बार लगाइए पहला पैराग्राफ सेम ही होता है, नहीं पहला नहीं, मोस्टली पैराग्राफ सेम ही होता है, अच्छा ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग देगा। अब देखिए अभी भी वही दे रहा है ना सर, ये देखिए अभी वही दे रहे हैं। हाँ वीडियो प्रोवाइड द पावरफुल वे टू हेल्प वीडियो इम्प्रूव योर प्रोवाइड, पॉइंट, सेम है। ये भी सेम सेम है। व्हेन यू हैव ऑनलाइन, दूसरा प्रयास देते, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, ठीक है। यस मैंने तुरंत पकड़ लिया, हमने बोला कि तुम अभी से ही बेवकूफ बनाने लगे मुझे, अभी तो पूरी क्लास बाकी है। ओके तो ये जो रैंक है हाँ इसलिए है ताकि आपको कुछ चीज करना है, आप मान लीजिए कि होता है क्या है कि आपको इसके फीचर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और आपको टाइप करने का मूड नहीं है, यहाँ पे मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम टाइप करने का टाइम नहीं होता है, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक तो चलिए है। आपके लिए भी सेम है कि आप भी मुझे दो तीन पेज टाइप करके भेजिए और मंडे से आपका हम कोर्स को शुरू करेंगे।